क्या है, जब तक मैं शेरगिल से बात नहीं करता ना, तब तक ये मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। ना ना पाटेकर साहब, वो नहीं आ सकते। मनमीत शेरगिल मीटिंग में नहीं आ सकती, क्या क्या जरूरत है बताइए ना। यहाँ बिल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कंपनी का एमडी यहाँ बैठा हुआ है। मनमीत शेरगिल की जरूरत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे बिना आगे बढ़िए, मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, पाटेकर साहब बात को पूरी करने दीजिए ना। हमने इसलिए कहा कि मनमीत शेरगिल मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकती, कारण है छोटे से बच्चे की माँ है, बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि शेरगिल मैडम को आना ही है तो हम बुलवा लेते हैं। राजू, आप बैठिए बैठिए। ठीक है, तो फिर हमारी सासू माँ ने ये जेवर हमें सौंप दिए। आजकल ऐसे जेवर मिलते नहीं, और मिल भी जाएंगे तो क्या, तुम्हारी पीढ़ी ऐसे पसंद ही नहीं करती। ना अम्मा, जेवर तो बहुत ही सुंदर है। पर आज बाहर क्यों धर दिए और मुझे क्यों बुलाया? बता रहे हैं, रीति के अनुसार हमें ये जेवर अपनी बहू को सौंपने। हाँ मामा, ये मेरे दादी के गहने हैं, इस पे हक मेरा और दी का होना चाहिए, आने वाली बहू का क्या लेना देना। बैठ बैठ। अरे ये जेवर नहीं है, जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हारी दादी माँ ने हमें, समझे? और एक बात बता छोटी, तुझे किस चीज की कमी है? ईश्वर का दिया सब कुछ है, इतनी अमीर ससुराल मिली है, पापा जी आए दिन तेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो का बिल्डिंग? अम्मा स्काई सिटी। हाँ, उसकी टॉप मंजिल तुझे दे रहे हैं, और क्या चाहिए? इन जेवरों पर नजर मत रखना, समझी? माय डियर लॉर्ड, तो बुलाया क्यों मुझे? फालतू बैठ इधर, गुस्सा तो नाक पे रख के बैठती। देखो, हमने सोचा ये था कि जब राजकुमार का ब्याह होगा तो हम अपने हाथों से ये जेवर अपनी बहू को देंगे, पर नसीब में कुछ और ही लिखा था। अब दोबारा पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा, तब हम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम अपने हाथ से ही दोगी अपनी बहू को ये सब देखना। पर दी सुनो, मॉम बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही है, बताइए मामा क्या बोल रही है। हम ये कह रहे हैं कि तब हम अगर नहीं हुए तो फिर ये जिम्मेदारी तुम दोनों को उठानी होगी। देखना ये जेवर किसी और के हाथ नहीं लगे, ये घर की लक्ष्मी यानी कि हमारी बहू की अमानत है, उसी को सौंपनी है तुमने। और बहू कैसी भी होगी तो भी? मतलब अगर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो? चुप कर, कुछ भी बकवास ना किया कर तू। बकवास नहीं है दी, मुझे तो डर लगता है, वो मनमीत शेरगिल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी झूठ बोलती है, कभी भी सच का बॉम्ब फेंक देती है। देखा नहीं कैसे डीएनए टेस्ट के लिए अचानक से रेडी हो गई वो, और डाटा पे तो अलग ही ट्रस्ट गेन कर चुकी है वो, आई एम टेलिंग यू। मामा भगवान ना करे अगर वो बच्चा आरकी का ही हुआ तो? ओ हेलो, बुलाया अंदर ऑफिस में। एक्सक्यूज मी, कार के अंदर नहीं, ऑफिस में बुला रहे हैं, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, मैं कह रहा हूँ ऑफिस में बुलाया। क्यों? आपके पास तो चीफ आर्किटेक्ट है, पूरा प्लान है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है तुम्हारी, इसलिए बुला रहे हैं, लेट्स गो। लिसन राजकुमार, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले आज वापस लौट रहे हैं, प्लीज लेट मी गो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बॉस हूं तुम्हारा, लेट्स गो, ऑर्डर दे रहा हूं, चलो। नहीं आऊंगी। तो क्या करोगे तुम? मनमीत, तुम्हें पता भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है अंदर कौन है, यू कैन गो अहेड, मैं नहीं आऊंगी।
अन्नी शेरगिल, तुम्हें पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं कि क्या हो सकता है। लेट्स गो। मेरा रेजिग्नेशन, मेरे करियर की बर्बादी, यही चाहते हो ना तुम? ओके, तो आज हम तुम्हारे मन की करते हैं। क्या कर रही हो? हाँ, रेजिग्नेशन लेटर ढूंढ रही हूँ जो तुमने तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट से मुझे निकाल तो दिया है, अब करण जो तुम्हारा चीफ आर्किटेक्ट है उसे प्रोजेक्ट दे दिया है, राइट? और मिश्रा जी से मशवरे ले रहे हो। ओ माय गॉड, मेरे पापा ना सही कहते, मर्दों की दुनिया है, मेरा यहाँ क्या काम? Found it. And you know what? पिछले कुछ दिनों से ना तुमने मुझे पागल बनाकर रख दिया है। अब मैं रिजाइन कर दूंगी तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। रियली और फाड़ो, कितने फाड़ लोगे? राजकुमार, तुम्हारा ईमेल है मेरे पास, मैं जितने चाहूं उतने प्रिंटआउट्स निकाल सकती हूं। ऑलराइट मनमीत, कॉन्फ्रेंस रूम में चलने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ समझी नहीं। मांगे क्या है तुम्हारी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चलने के लिए? हाँ, अरे जल्दी बताओ प्लीज यार। प्लीज बोलो। प्लीज फिर से प्लीज, थोड़ा तमीज से प्लीज। बेटा, वैसे कितना अच्छा लगता है ये सुनकर। शारदा। यस मैम। शारदा, एक काम करो, अपने नोट्स में एक मैटर लिखो। मैं राजकुमार यादव मिस मनमीत शेरगिल को आज के बाद स्काई सिटी प्रोजेक्ट की चीफ पोजीशन से हटाने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। मिस मनमीत शेरगिल स्काई सिटी प्रोजेक्ट खत्म होने तक उसकी हेड बनी रहेंगी। राजकुमार यादव, MD, Surti Architects, don't forget. Yes, print out, Shada. Thank you. Yes, ma'am. Ma'am. Yeah. Shada, एक काम करो, इसको स्कैन करो और सारे मेन आईडीज पे मेल कर दो। यस मैम। थैंक यू। और कुछ भी मांग लेती ना तो दे देता, इनफैक्ट कैबिन भी दे देता। अब चलें। उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, गेट मी वन कॉफी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे नहीं कहा, शारदा से कहा है। हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती है। मोहब्बत है मिर्ची, वो भी हरी वाली। जेंटलमैन, मिलिए मनमीत शेरगिल, स्काई सिटी की ओरिजिनल एंड मेन आर्किटेक्ट। बैठिए शेरगिल मैडम, हमने बहुत कोशिश की कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चे के साथ गुजारे हैं, आपका जो काम का बोझ है वो हल्का हो जाए, लेकिन क्या करें, ये स्काई सिटी प्रोजेक्ट जो है
आपके बिना आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और पाटेकर साहब भी चाहते हैं कि आप अपने मुंह से ओके बोल दें इस प्रोजेक्ट के लिए। ये मंजिल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए और समझाइए प्रोसीजर क्या कैसे, ये आप ही समझाइए पाटेकर साहब को। मनमीत जी, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। इस स्काई सिटी प्रोजेक्ट के लिए भैरव जी एक्स्ट्रा फंडिंग चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को सपने बेचने की कोशिश की है और उन इन्वेस्टर्स का सलाहकार होने के नाते मैं ये सवाल आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या इसमें 10 मंजिल और जोड़ना पॉसिबल है? सर, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखिए, 10 मंजिल का ही सवाल है, ओनली 10 फ्लोर्स। सर, 140 मंजिल बनाने के लिए जितनी पाइलिंग की जरूरत थी उतनी हो चुकी है। अब उसके ऊपर 10 फ्लोर्स ऐड करना मतलब खुद की कब्र खोदने के बराबर होगा। Can I tell you one thing? 90% काम पूरा हो चुका है। अब स्काई सिटी प्रोजेक्ट में एक भी चेंज नहीं आ सकता। भैरव जी, जी, क्या हमारे क्लाइंट्स को प्रपोजल देने के पहले आपने मनमीत जी से सलाह ली थी? पाटेकर साहब, भैरव जी, मैंने आपसे सवाल पूछा है। पाटेकर सर, इसका जवाब मैं देती हूं। इन्होंने मुझसे सलाह ली थी और तब भी मेरा जवाब यही था। यादव जी, आप जो करने जा रहे हैं उसे फ्रॉड कहते हैं और अगर भविष्य में कोई हादसा हुआ तो आपके हाथों में खून लगेगा। शर्म आनी चाहिए आपको, इल्लीगल मंजिलें बना रहे हैं। और आप जनाब इनके साथ मिलकर इन्हें फर्जी प्लांट्स बेचना जा रहे थे। अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कंप्लेंट कर दूंगा ना तो आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे, समझे? दिस इज डिस्गस्टिंग भैरव सिंह जी। फ्रॉड नहीं, और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो जरा भी नहीं करते। इस मीटिंग के बाद आपके करियर पर क्या असर होगा मैं नहीं जानता। शायद आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन आज तक जिस सच्चाई के साथ आप काम करती आई है ना, बस उस सच्चाई को कभी मत छोड़िएगा। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी आप। थैंक यू हुसैन। राजू, मेहता साहब पीछे पीछे जाओ और उनसे माफी मांग लो। अच्छा,
कोशिश की थी। नहीं क्या हो? एक अच्छा अच्छा बात है। इधर आ, इधर आ। I'm sorry sir, sir मैंने कोशिश की थी sir। वो आर्किटेक्ट है? आर्किटेक्ट है? तू आर्किटेक्ट है? तू आर्किटेक्ट है? क्या कोशिश थी? वो अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में पार्टी कर तुझसे पूछ रहा है। तू ये क्या कर क्या रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप किसी को मार सकते हैं? हाँ, क्योंकि तुझे हम जूता चप्पल से मिस्टर यादव, आप मनमीत के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। वो हमारी सीनियर आर्किटेक्ट है। आप चुप हुसैन, चुप, अपनी औकात में रह। इक्यावन परसेंट शेयर। कितना? 51, 20%, 20%। ये ज्ञान अपने पास रख, वही खड़े रहे। अगर ये इसकी जगह होता ना, इन्हीं हाथों से टेटवा दबा के हैप्पी बर्थडे कर देता। राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनी है ये ईमानदारी का ठेका ले रखा है इसने। एक मिनट, यू बेटर कंट्रोल, आप अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए मिस्टर यादव। हमेशा मैंने कोई सती होके, हमेशा सती है? एहसान किया है, एहसान किया है। उम्र में बड़े हैं तुझसे। और ये देख कौन है? हम मर्द हैं और तू क्या है? औरत। इज्जत दे मर्द को। 5 मिनट में, 5 मिनट में 1,000 करोड़ का नुकसान कर दिया तूने। देखा कभी इतने पैसे? वो फटीचर वकील है तेरा बाप, है काला कोट, उससे जाके पूछ ले 1,000 करोड़ क्या होता है। देखा है? पूछ ले। ते पैसे नहीं देखे मैंने, लेकिन जितना उन्होंने मुझे पढ़ा है, जितनी परवरिश दी है, जितनी सीख दी है, जितने संस्कार दिए ना, उसकी कीमत आपकी सोच से कहीं ऊंची है। अंडरस्टूड? आपके पैसों से कहीं ऊंची है। अरे वाह वाह, ये तो ठान के आई है कि हमारे हर सवाल का जवाब देगी। वाह वाह वाह, चल हमारे एक एक सवाल का जवाब दे। 1,000 करोड़ तूने जो तूने नुकसान कराया है कैसे चुकता करेगी? भरपाई कैसे होगा बता ना, चल बता। सुन, अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो भरे बाजार में तुझ जैसी औरत की औकात दिखा देंगे। ₹1,00,000 आपको कहना था कह लिया आपने। तो अब आप मेरी सुनेंगे। बचपन में ना मैंने कहावत सुनी थी कि आदमी इंसान जितना भी क्यों ना कमा ले, लेकिन अपनी असली औकात, अपनी जुबान, अपनी जात ना कभी तो दिखाई देता। आज उस कहावत को मैंने अपने आंखों के सामने सच होते हुए देखा है। अगर आज आपकी माता जी जिंदा होती ना, तो मैं उनसे जरूर पूछती कि उन्होंने क्यों खिलाकर आपको पैदा किया है, पाला है, क्योंकि अपने बच्चे की, अपने अपने बेटियों की उम्र की लड़की के साथ आप जिस भाषा से बात कर रहे हैं ना, भूलिए मत, आपके घर में भी बेटियां हैं, उनके भी बच्चे हैं। अंडरस्टूड? और हाँ, आपकी पत्नी तो है, तो किसी ना किसी दिन तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी ये बात। थैंक यू। दूसरी बात, जिस भाषा का प्रयोग आपने मेरे साथ किया है ना, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी मैं आपके खिलाफ FIR करवा के आपको अरेस्ट करवा दूं। पुलिस घसीट के आपको यहां से लेकर जाएगी अभी इसी वक्त। पढ़े लिखे तो अब है नहीं है ना, अनपढ़ गवार जो है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, विशाखा एक्ट में बुक हो गया। एक मिनट,
मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ऑफिस में, ऑफिस के अंदर महिला के साथ आपने जिस तरीके से मुझसे बात की है ना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बेल भी नहीं मिलेगी आपको, बेल भी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड मिस्टर यादव, बेल नहीं मिलेगी। क्या बक रही है, चल फोन कर पुलिस स्टेशन, फोन कर, अरेस्ट करवा, चल देखते हैं। कमिश्नर यहाँ, डिप्टी कमिश्नर यहाँ, चेक में लेके घूमते हैं, समझे? चल 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 चल, फोन कर पुलिस स्टेशन। मैं सब कुछ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी परवरिश, हम दोनों की परवरिश में अंतर है। आप मेरी बाप की उम्र के हैं, ओके? इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। अगर आप और तमाशा नहीं चाहते, आई रिक्वेस्ट मिस्टर यादव, प्लीज गो। जो कुछ बाहर हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए। तो उस आदमी ने आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। पहले इसके बेटे ने आकर ड्रामा शुरू किया था, उसने आकर बस रही सही कसर पूरी कर दी। यू जस्ट काम डाउन, हाँ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो सर, मैं कैसे रिलैक्स करूं? क्या कुछ नहीं कह दिया उस इंसान ने आज मुझे? 5 मिनट में 1,000 करोड़ का नुकसान कर दिया तूने। देखा है कभी इतने पैसे? वो फटीचर वकील है तेरा बाप, काला कोट, उससे जाके पूछ ले 1,000 करोड़ क्या होता है, देखा है? पूछ ले। अब मैं और नहीं झेल सकती। You know what? मैंने खुद से ज्यादा हमेशा हमेशा स्काई सिटी से प्यार किया और इसलिए अब तक मैं सब कुछ सह रही थी, एवरीथिंग। आज वो इंसान खुद ही नहीं कह रहा, उसे मुझे भी कितने पे मजबूर किया है। एक बुजुर्ग के साथ मैंने ना जाने कैसी बात की है, क्या क्या बोला है आज मैंने उन्हें। I am so 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 angry with myself. No. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Don't blame yourself. I have a request to you. Please तुम इस चैप्टर को भूल जाओ। जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको कंट्रोल करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सब कुछ तोड़ देना, खत्म कर देना बहुत आसान है, पर यहाँ पर हमारा सब कुछ दांव पे लगा है। तुम्हारी और मेरी इज्जत, हमारी कंपनी की रेपुटेशन, इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्काई सिटी। सी पार्टनर, इस टाइम पर हमें बिजनेस के बारे में थोड़ा सोचना होगा। शारदा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मैटर के बारे में एक भी वर्ड इस ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। मेक श्योर। डोंट वरी सर, यू रिलैक्स। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब भूल पाऊंगी? पार्टनर, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स।
कोई मुझे बताएगा कि चल क्या रहा है? कुछ पूछा मैंने, चल क्या रहा है? 5 मिनट में नीचे गया, उसमें पता नहीं क्या कुछ हो गया। हाँ, हुआ क्या है? बचपन में ना मैंने कहावत सुनी थी कि आदमी इंसान जितना भी क्यों ना कमा ले, लेकिन अपनी असली औकात, अपनी जुबान, अपनी जात ना कभी तो दिखाई देता है। अगर आज आपकी माता जी जिंदा होती ना, तो मैं उनसे जरूर पूछती कि उन्होंने क्या खेला कर आपको पैदा किया है। काश आज हम अपने साथ अपनी बंदूक लेकर गए होते, ससुरी को हम वहीं पर ठोक देते। किस तरह से बात कर रही थी आपसे वो? अरे, आपको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रही थी। उसकी इतनी हिम्मत, जब आपने उसको उसकी सही जगह दिखाई, आईना दिखाया, तो आपको कानून सिखाने लगी। जिस भाषा का प्रयोग आपने मेरे साथ किया है ना, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी मैं आपके खिलाफ FIR करवा के आपको अरेस्ट करवा दूं। पुलिस घसीटते हो आपको यहां से लेकर जाएगी अभी इसी वक्त। मैं आपको बता देती हूँ, विशाखा एक्ट में बुक होंगे आप। ऑफिस के अंदर महिला के साथ आपने जिस तरीके से मुझसे बात की है ना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बेल भी नहीं मिलेगी आपको, बेल भी नहीं मिलेगी। अरे शेरगिल मैडम, हम तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जहां ना कानून होगा ना तुम्हारी जात होगी। ठोक देंगे हम उसको। राम सिंह, गाड़ी रोको। बाबूजी क्या हुआ? तो बाबूजी क्या हो गया? वहां ऑफिस में मुंह में तंबाकू दबाए बुद्ध की तरह खड़े थे, यहाँ गरज रहे हैं। अरे बाबूजी, आप हमारी बात सुनिए, हम तो वहां पे उतरा। ठीक है बाबूजी। चलो राम सिंह। भाई हमने सोचा कि हम ही जल्दी पहुंच जाते हैं, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। बहुत अच्छा किया। ब्रजेश, बाहर से हमारी दारू की बोतल ले आओ। क्या सुनिए, क्या हुआ? इन्हें किसी मीटिंग में गए थे ना आप लोग, साथ थे ना? कुछ भी सही नहीं हुआ माँ जी, कुछ भी सही नहीं हुआ। उस लड़की ने बाबूजी को बहुत परेशान कर दिया है। किस लड़की ने? अरे वो शेरगिल मैडम ने। ब्रजेश, बाबूजी बहुत गुस्से में, अम्मा पता नहीं क्या करेंगे। मिनट में 1,000 करोड़ का नुकसान कर दिया तूने, देखा कभी इतने पैसे? वो फटीचर वकील है तेरा बाप, काला कोट, उससे जाके पूछ ले 1,000 करोड़ क्या होता है, देखा है क्या? पूछ ले। सब करना नहीं चाहता मम्मी, लेकिन ऑफिस में मुझे जवाब नहीं मिला। मैं 5 मिनट के लिए नीचे गया था, कुछ हुआ तो मार डैड के बीच में। क्या हुआ राजकुमार? प्लीज मुझे वर्कआउट करना है, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। मैं भी यहाँ तमाशा नहीं करने आया, ना ही ऐसा कोई इरादा मेरा। कुछ हुआ है मम्मी तुम्हारे और डैड के बीच में, मैंने डैड को कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा।
पैसों के नुकसान के लिए तुमने वो और आप बहुत फिक्र है तुम्हें उनके, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। फिक्र मुझे तुम्हारी भी उतनी है मनमीत। ओके, तुमसे पूछा तुमने नहीं बताया, उनसे पूछा उन्होंने नहीं बताया। मैं तुम दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहता। लिसन राजकुमार, मुझे अपना नहीं पता, लेकिन आज तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ अगर मैं वो तुम्हें बता दूंगी तो तुम उन्हें खो दोगे शायद। बताओ, ट्राई मी, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना क्योंकि तुम सुन नहीं पाओगे शायद। फिर से शायद? शायद शायद यार, come on, tell me, हुआ क्या है? हम मर्द है, और तू क्या है? औरत। इज्जत है मर्द को। शायद इसलिए क्योंकि तुम पर से भी भरोसा उठ गया मेरा। अच्छा कुछ भी हुआ, I hate to say this, but I think I needed you the most. मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ मन्नी शेरगिल, दुनिया के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां तुम उड़ाती हो, उसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट करती हो। Oh, what are you saying? Needed me? मैं आया था दो बार तुम्हारे पास पूछने कि आज हुआ क्या, लेकिन तुम दूर चली गई मुझसे। कैसे साबित करूं तुम्हें कि तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं? मनमीत, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। आरके राजू हमारा बेटा राजू, आजा बेटा, आजा। डैड रूप, आज ऑफिस में एक्जेक्टली हुआ क्या? बस छुट्टी, आजा बेटा, अपने दादा के साथ बैठे हैं दो चहीते बच्चे हमारे। क्या है, बचपन में हम तुम दोनों को समय नहीं दे पाए, काम में व्यस्त रहते थे, ना तुम लोगों के साथ खेल पाए, ना कहानी सुना पाए। चलो आज तुम्हारा दादा एक कहानी सुनाएगा। तो संक्षेप में वो कहानी सुनाते हैं। एक तरफ पांच भाई और दूसरी तरफ 100 भाई। अब दोनों पक्षों में लड़ाई होगी, किस लिए राजू? जायदाद के लिए, जमीन के लिए, राजगद्दी के लिए। ये लड़ाई जंग में बदल गई। कैसे? क्योंकि एक औरत ने एक मर्द का अपमान किया। मर्द का अपमान किया, अपमान किया। पापा जी, ऑफिस में हुआ क्या आज? एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स के सामने जो भी हुआ गलत हुआ राज। बाबू जी, हम सो जाओ बच्चों, तुम दोनों सो जाओ, हमें मुरारी से थोड़ा काम है, फिर हम भी सो जाएंगे। जा,
डरा भी तो है ना। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। राजू जा। मुरारी, अभी हमने बच्चों को जो कहानी सुनाई ना, वो अधूरी है। पूरी कहानी सुनोगे? कहानी में जिस औरत का जिक्र हुआ, उस औरत ने सामने वाले मत का अपमान किया। उसने औरत ने सामने वाले मर्द के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुरारी जी, जी बाबूजी, अपने आदमी मुझसे कहो काम शुरू कर। ठीक है बाबूजी। अगर ये इसकी जगह होता ना, इन्हीं हाथों से टेटों में दबा के भाभी बर्तरे कर देता। राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनी है ये। वो फटीचर वकील है तेरा बाप, है काला कोट। उससे जाके पूछ ले 1,000 करोड़ क्या होता है, देखा है क्या? पूछ ले। कैसे साबित करूं तुम्हें कि तुम्हें खोना नहीं चाहता? मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। हाँ सैन, इतनी सुबह सुबह फोन किया और लोग है? पार्टनर, टर्न ऑन योर टीवी, जस्ट टीवी ऑन करो, अभी कुछ पूछना मत यार प्लीज। मनमीत शेरगिल जी, मैं किरण देशमुख फ्रॉम मुंबई पुलिस, तुमको अरेस्ट करने आई हूं। व्हाट? मुझे? लेकिन क्यों? 3 लोगों के गैर इरादतन हत्या करने का आरोप है तुम पर। तुमको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, तो चलो। एक मिनट, क्या बेहोदा हरकत है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती हैं आप इसको? आप कौन? मैं इसका फादर हूँ और मैं लॉयर हूँ। वारंट है आपके पास? देगा?